जो आप ये ड्रेन का पाइप देख रहे हैं, अगर इन केस इसमें से पानी आना बंद हो जाए और पानी बहुत धीरे धीरे आए तो उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पल्सिलेटर बोलते हैं फ्रेंड्स, और वॉशिंग मशीन में आपको दिखा देता हूँ, ये LG की 7.2 kg की वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप पल्सिलेटर देख रहे हैं फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है जो ब्लॉकेज की आती है, और इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे आप इसकी सर्विस कर सकते हैं, कैसे आप इसको क्लीन कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस पल्सिलेटर को ओपन कैसे करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैप लगी हुई है, ये LG की 7.2 kg की वॉशिंग मशीन है। तो आप देख सकते हैं इस मॉडल में आपको इसी तरीके की कैप और इसी तरीके का पल्सिलेटर मिलेगा। तो इसको ओपन करने के लिए आपको इस तरीके से टेस्टर लेना है, या आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से भी इसको ओपन कर सकते हैं। और ठीक इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कैप ओपन हो जाएगी, और इसमें आप डस्ट देख सकते हैं कितनी सारी डस्ट है। तो इसको क्लीन कैसे करना है, पूरा पल्सिलेटर कैसे ओपन करना है, वो सभी इस वीडियो में हम दिखाएंगे आप सभी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्रू लगा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से एक स्क्रू ड्राइवर लेना है, और यहाँ पे प्लस वाला इसमें स्क्रू लगा हुआ है, तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, इजीली ये ओपन हो जाएगा। और कुछ वॉशिंग मशीन में फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बोल्ट लगा होता है 8 नंबर या 10 नंबर का, तो वो गोटी की हेल्प से आप उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ट ओपन हो चुका है। अब आपको पल्सिलेटर निकालने के लिए इस तरीके से प्लायर का यूज़ करना है। प्लायर लेने के बाद आपको इसको इस तरीके से पकड़ना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली पल्सिलेटर बाहर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्सिलेटर बाहर आ चुका है, और इसकी आप हालत देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये गंदा हो रहा है। और आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा जो है सिक्के फंसे हुए हैं फ्रेंड्स। ये जो कई बार हमारी पॉकेट के अंदर सिक्के रह जाते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें सिक्के फंस जाते हैं पल्सिलेटर में आके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से ये जो है इसमें कॉइन फंसे हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी जो है कॉइन फंसे हुए हैं, यहाँ पे डस्ट भी इसमें काफ़ी सारी है। तो आप इसको इजीली इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं किसी भी केमिकल से, या फिर बेकिंग पाउडर से आप इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। वहाँ पे जो ये होल आप देख रहे हैं, यहाँ पे पानी जो है सर्फ का पानी यहीं से निकलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अभी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें जो है वायर फंसी हुई है किसी तरीके की, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से, इसी वजह से फ्रेंड्स ये जो है पानी इसमें नहीं निकल रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो कपड़ों में लगाई जाती है ये वही है, आप देख सकते हैं इसकी वजह से फ्रेंड्स ब्लॉकेज आ रही थी, इसमें पानी नहीं निकल रहा था। और अभी इसमें एक बेलो सेट भी होता है फ्रेंड्स, वो भी मैं आप सभी को ओपन करके दिखाऊंगा, उसकी वजह से भी ब्लॉकेज की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और हो सकता है कि अभी जब हम इसका जो बेलो सेट है उसको ओपन करेंगे तो हो सकता है वहाँ पर भी कॉइन हमें फंसे हुए मिले, जिसकी वजह से इसका जो पानी है वो नहीं निकल पा रहा था। तो आप इसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं, तो क्लीन करने का प्रोसेस हम बाद में दिखाएंगे, पहले आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पर बेलो सेट लगा होता है इस होल के अलावा, कहाँ पे और जो है ब्लॉकेज आती है, और इसका जो पानी है उस पाइप में कहाँ से जाता है। तो आइए फ्रेंड्स आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वो जो होल हमने दिखाया था, मैं आपको एक बार होल दिखा देता हूँ। आइए यहाँ पे जो आप ये वॉशिंग मशीन का होल देख रहे हैं, इसमें से पानी अंदर से निकल के और यहाँ से होता हुआ, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वो होल है इस साइड में अंदर की तरफ, और यहाँ से जो है इसका पानी इसमें से होता हुआ इसमें आता है, और यहाँ पे एक रबड़ की बेलो सेट लगी होती है जो कि डस्ट की वजह से ब्लॉक हो जाती है। तो इसकी भी सर्विस होती है फ्रेंड्स, और इसमें से पानी का फ्लो होता हुआ यहाँ से नीचे इसके अंदर से आता है। तो इसमें जब पानी ना आए और बहुत धीरे धीरे आए, तो फ्रेंड्स उसका यही रीज़न होता है कि एक तो इसमें भी ब्लॉकेज आपको मिल सकती है, और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था इस होल में या फिर जहाँ पे पल्सिलेटर हमने निकाला था जहाँ से, वहाँ कोई कॉइन फंसा हो सकता है, या तो फ्रेंड्स वहाँ पे हो सकता है कि पल्सिलेटर वाली जगह पे डस्ट फंसी हो या उस होल में कोई ब्लॉकेज हो। तो आप उस होल को भी क्लीन करके, यहाँ पे आप जो ये लाइन देख रहे हैं आपको इसको भी चेक करना कि इसके अंदर किसी तरह की कोई डस्ट या फिर कॉइन या फिर कोई लोहे की पिन ना फंसी हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम इसको ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें किस तरीके से ब्लॉकेज आती है और आप इसको किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी जो ये रस्सी है इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद इसको आपको इस तरीके से ओपन करना है। इसमें चूड़ी सिस्टम होता है फ्रेंड्स, और किसी किसी वॉशिंग मशीन में आपको यहाँ पे स्क्रू लगे हुए मिलेंगे, तो उसको भी आप ओपन करके इस कवर को रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें फिलहाल स्क्रू नहीं है, ये चूड़ी सिस्टम है, तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से ओपन कर लेंगे।
ये देखिए ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें एक स्प्रिंग निकलती है और एक ये रबड़ की बेलो सेट होती है जिसको हम अभी बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डस्ट की वजह से कितनी बुरी तरीके से फंसी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी बुरी तरीके से ये जो है ब्लॉक हो रखी है। तो अगर ये कहीं से कट गई है तो आप इस कंडीशन में इसको रबड़ को चेंज कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको क्लीन करके दोबारा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ये देखिए यहाँ पे इसका जो है होल भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके अंदर जो है डस्ट फंसी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हम आपको इसको निकाल के दिखा देते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसके अंदर डस्ट है। तो आप इसको क्लीन करके अच्छे से साफ कर सकते हैं जिससे कि जो पानी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा इसके अंदर ब्लॉकेज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको वाटर से अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसके अंदर डस्ट निकल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इसको अच्छे से वॉश कर लेना। ये देखिए, ये वॉश करने के बाद बिल्कुल अच्छे से आपको बिल्कुल साफ ब्लैक कलर की रबड़ जैसी दिखेगी। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, अगर फ्रेंड्स इसमें कहीं पे होल हो रखा है, ये कहीं से कट गई है, उस कंडीशन में आपको ये रबड़ चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इसको वॉश करके भी लगाएंगे तब भी ये वर्क करेगी। तो अभी हम आपको इसको लगाने के बाद चेक भी कराएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इसको सर्फ से या किसी बेकिंग पाउडर से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया, अभी हम इसको वॉश कर लेते हैं एक बार, और वॉश करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है। और आपको ये चीज़ चेक करनी है जो स्प्रिंग टाइप बनी हुई है कि इसमें कहीं से किसी तरीके का कोई होल ना हो। अगर होल होगा तो फ्रेंड्स पानी यहाँ से इस पर लगेगा रबड़ पर, और इस साइड से यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें किसी तरीके का कोई होल ना हो। तो अभी इसको क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इसको भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। तो अब इस तरीके से किसी तरीके का कोई कपड़ा या फिर जो कोलगेट वाला बेकार जो आपके घर में ब्रश पड़ा हो, आप उससे भी इसको क्लीन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इससे कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ताकि इस पर जो भी मिट्टी लगी है वो अच्छे से हट जाए, जिससे कि पानी इसमें मतलब ब्लॉक ना हो। ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है, जितनी भी इसमें डस्ट है सारी आपको साफ़ कर लेनी है। हमने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसको क्लीन करने के बाद आपको एक बार बेलो साइड पे इस तरीके से कपड़े से इसको साफ़ कर लीजिए, जिससे कि इस पर जो लगा पानी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए, और अगर थोड़ी बहुत इस पर डस्ट है तो वो भी कपड़े से साफ़ हो जाएगी। और अब आपको इस तरीके से इसको लगाना है, ये देख लीजिए, आपको सबसे पहले इस पर बेलो साइड लगाना है, और उसके बाद ये स्प्रिंग इस तरीके से लगी होती है। फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए इस तरीके से स्प्रिंग होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसको लॉक कर दीजिए, लॉक करने के बाद आपको सिंपली इस तरीके से स्प्रिंग साइड लगाना है, और यहाँ पे जो आप इसकी कैप देख रहे हैं वाली, आपको इस तरीके से कैप इस पर लगा देनी है। और स्प्रिंग आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये स्प्रिंग अच्छे से फंसनी चाहिए इस जगह पे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिंग सी बनी हुई है, स्प्रिंग इसके बाहर की साइड पे जाके फंसेगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये देखिए इस तरीके से स्प्रिंग फंसाने के बाद आप इसकी जो ये प्लास्टिक की रस्सी है इस तरीके से आपको बाहर निकालनी है, और कैप को अच्छे से टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस दो फिंगर का इस पर हल्का दबाव देना है। आप देख सकते हैं बस इतना ही आपको इसको टाइट करना है, और इस तरीके से वर्क करेगी। तो अभी फ़िलहाल हम इसकी रस्सी लगाते हैं और आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से इसकी रस्सी लगा देनी है, और अब आप इसमें पानी डाल के इसकी जो ड्रेन की ब्लॉकेज है आप उसको ईजिली चेक कर सकते हैं। और अभी हम इसका पल्सिलेटर लगा देते हैं। सबसे पहले हमने बेलो सेट को क्लीन कर दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं हमने पल्सलेटर को भी क्लीन कर दिया है, यहाँ से भी सारा क्लीन कर दिया है। और अभी इस तरीके से आपको यहाँ पे पल्सलेटर लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्सलेटर लग चुका है,
और जो स्क्रू हमने ओपन करा था उसको आपको इस तरीके से अच्छे से टाइट कर देना है। तो अभी हम इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद आपको इसको एक बार चला के दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग टाइट हो चुका है और कसाई आपको अच्छे से करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कसाई आपको बहुत अच्छे से करनी है जिससे कि पल्सलेटर फ्री ना हो, और पल्सलेटर अगर फ्री होगा तो वो गियर बक्से को फ्री कर देगा, गियर बक्सा उससे टूट जाएगा। तो अभी आप फिलहाल यहाँ पे कैप देख सकते हैं, अभी हम इसकी कैप लगाएंगे। यहाँ पे आप ये कट का निशान देख रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कट का निशान देख रहे हैं उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन अंदर की तरफ इसमें लॉक बने हुए हैं, ये देखिए, और एक ये जो है बाहर की तरफ लॉक है। तो ये जो बाहर वाला लॉक है ये यहाँ पे आएगा इस कट के ऊपर, यहाँ पे इस कट के ऊपर आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कैप लगती है। सिंपली आप इसको लगा भी सकते हैं, और रिमूव करने के लिए यहाँ से आपको स्क्रू ड्राइवर से या टेस्टर से इसको ओपन कर लेना है और पल्सलेटर इजीली बाहर निकल जाएगा। मशीन अच्छे से वर्क कर रही है, और पानी का जो हमने इसकी क्लीनिंग करी थी, पानी भी अब इसमें हम डाल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अभी हम इसको बंद कर देते हैं और अभी इसमें पानी डाल के चेक कर लेते हैं पानी इसमें अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसमें पानी डाल के एक बार चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी डाल दिया, और अभी हम चेक करेंगे ट्रेन अच्छे से वर्क कर रही नहीं कर रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी पानी नहीं आ रहा है, तो अभी हम उसको ड्रेन को ओपन करेंगे। यहाँ पे जो इसमें स्विच दिया होता है ड्रेन का, ये देखिए, अभी हम इसको ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ से पानी आएगा। तो हम फिलहाल यहाँ पे ये मग लगा लेते हैं जिससे कि यहाँ पे पानी का ज़्यादा कीचड़ ना हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से इसको ड्रेन पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको ड्रेन पे कर दिया, और पानी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे से, काफ़ी तेज़ी में पानी आ रहा है। अभी फ़िलहाल हम ड्रेन को ऑफ़ कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने ड्रेन को ऑफ़ कर दिया, तो पानी यहाँ पे रुक चुका है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी और भी ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो आप सभी तक पहुँच करें। तो फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही एक और नई इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।